Veera, hold on, hold on. Balaji, बिल्कुल ऐसे रहना. Again, look at him, look at him. He's pinching me. चलो भैया हो गया. वेट, लास्ट लास्ट टू शॉट. ओके, लुक एट बाय द एक्सप्रेशन. दैट्स व्हाई ही पिंचिंग यू. बाय द एक्सप्रेशन. राहुल अभी मैच पार्टी है. हो गया, चलो आपका हो गया. आप जाके चेंज करो. मैं तो 16 मिनट तक कर दो. आप अपने फ्रेंड का सूट पहन लो. जो फ्रेंड आप उसी के अंदर है. मेरे सूटकेस के ऊपर शर्ट रखी है. आप अपने फ्रेंड का सूट पहन के भाई भाई हम लोग को नहीं मिल रहा हो दोस्त. भाई साहब थोड़ा और पीछे आ जाओ और फ्लैश नीचे कर लो. लाइट वेट लगाओगे? चालू किए हम नल्ला लाइट है बंद कर. मेरा इन हाउस है. अरे भाई रवि कौन सा लाइट मारे? बंद करो, बंद करो. कौन मारा? बंद कर दो भाई. मत चला. कम क्लोज. कैमरा छोटा वाला कैमरा पीछे. भाई अभी बैठने का तुम्हारा खत्म कर. प्रोफाइल मिल रहा है. मैम आप दोनों के साथ फाइल में. दोनों साथ में. दोनों साथ में. एक बार उनकी ट्रेन एक बार उनका मिले तो योग शांति से आए. वो सर से आगे चले. लाइट नहीं मार रहा है तो बैटरी निकाल लेना. बैटरी निकाल. पर तो मेरा लाइट नहीं चल रहा है. मेरा चल रहा है. तेरा बंद है. अरे सेंटर में. हाँ ये सेंटर. जनता जनता के लिए नहीं चाहिए.
रवि थोड़ा पीछे आ जा बड़े बाबू, कैमरा हो गया तो नीचे ले लो। अनुज सही हो तो कैमरा पास में हो गया तो नीचे ले लो भाई, नीचे ले लो ना, हो गया ना तो क्या जाओ पहले पिक्चर से जाती है उसके बाद वीडियो। क्या बात है भाई, चलेगा ये चलेगा नंबर। पहले ना नीचे पांडे को पीछे ले लो, पहले आपको पिक्चर्स कर दो, ले लो पांडे बीच में, पांडे बीच में आना, पांडे बीच में ले, बहुत दे दे। अरे सबसे छोटा तू ही है, जा बांट देंगे बाद में पारुल जी, बाद में बात लेंगे, रिसेप्शन करते करते फिर मुंबई पहुंचे, तो मुंबई आने में थोड़ा टाइम लगा। जब हम मुंबई आए उसके बाद जब मैंने आप लोगों के साथ इंटरेक्शन किया एंड संग्राम जी ने भी एक यू नो एक थॉट प्रोसेस था कि आपने पायल यहाँ पे काम किया है, आपकी कर्म भूमि है, यू नीड टू इंटरेक्ट एंड यू नो शेयर योर हैप्पीनेस, तो तभी जाके हमने एक रिसेप्शन ये प्लान करी एंड आई एम ग्लैड आज हम प्लान कर पाए संग्राम जी के हेल्प से एंड आप सब के हेल्प से। ये 2 महीने का सफ़र बहुत शानदार रहा, हम दिल्ली में गए, हम अहमदाबाद में गए, तो ढेर सारी में ब्लेसिंग्स मिली, हमें मौका मिला मेज़बानी करने का, खाना खिलाने का, तो इस सौभाग्य होता है। आज भी मौका मिलेगा, कुछ अच्छे इंसान आएंगे जो हमें गुड विशेज देंगे, ब्लेसिंग देंगे, तो अच्छी बात है। तब से जब से शादी की है हम तब से रिसेप्शन ही कर रहे हैं और करना ही पड़ता है क्योंकि खाया है, इतना खिलाना तो पड़ेगा। अभी एक हरियाणा बाकी है, तो बाकी क्या कि मुंबई करना ज़रूरी था, मुंबई में हम अभी फ़िलहाल हैं, तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं कह रहा हूँ सबको शादी करनी चाहिए, तब आप बता सकते हो कि अनुभव कैसा है। लाइफ इज चेंज्ड इन द सेंस आई थिंक पीपल आर हैप्पियर दैट आई गॉट मैरिड, बिकॉज मेरी शादी से ज़्यादा लोगों को बहुत चिंता थी, लोगों मेरे से ज़्यादा लोगों को बहुत चिंता थी, तो आई थिंक दे आर मच मोर काम एंड हैप्पी, बट आई एम ऑल्सो मच काम एंड हैप्पी बिकॉज संग्राम जी एंड मी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग 12 साल से एक दूसरे के साथ हैं, सो द शादी का टैग हैज़ मेड अस मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज जब भी हम एक दूसरे से दूर जाते हैं या कोई रियलिटी शो करते हैं जहाँ पे 3 महीने 4 महीने एक दूसरे से दूर होते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो आई थिंक दिस वॉज द क्या कहते हैं ना, एक धागे को आप एक रबर बैंड को आप खींचते हैं देन इट जस्ट कम्स बैक, सो दिस वॉज द खींच का एंड एंड नाउ वी आर मैरिड। थैंक यू सो मच। देखो केवल भाई केवल हटो ना उधर से, पांडे तू प्रेम में, पांडे पांडे दोनों अभी जाओ जा आ फिर उधर किसका काम है कुंडल।
अरे इधर आई थी, अरे सेंटर में, मोबाइल वाले को क्या पता। कौशल भाई एकदम तैयार हो, सिर्फ किया ना हमारी वाट लगाने। कौशल भाई हाल, बड़े भाई थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा सा, बड़े भाई। कौशल भाई वीडियो वाला भी लेके लाना शुरू कर दे यार। रुको रुको, वीडियो वीडियो अभी पोर्टल मिला ही नहीं, पहले बाय टिकल। रुको रुको, वेल पायल, आई मेट हर इन लॉकअप। Amazing, amazing lady. I am very happy for her. You know, it's always good, you know, when someone is settling down in such a beautiful manner. So obviously, I had to be a part of it. I'm grateful. I'm just going to go and congratulate her. नहीं, पायल को मैं लॉकअप के बाद मैं मिल चुकी हूँ कुछ दफ़ा, और ठीक है ना यार, वहाँ पे बड़ी मस्ती की हमने लॉकअप में। बट इट्स गुड नाउ, एटलीस्ट वी डोंट फाइट एनी मोर। आई डोंट वांट टू सॉरी पायल, एक्चुअली what I'm dressed today, I've got something similar project like this, so yeah. Yeah. I want to do it. Why not? It's Big Boss at the end. I think I'm looking good in sari. I think I'm looking good in sari. It's been a while, I haven't worn a sari. I think मैं कुछ 4-5 साल के बाद आज मैंने साड़ी पहनी है, but I'm thinking to wear it now constantly because I'm loving it, so yeah. है ना? ठीक है, अभी से हम जब भी मिलेंगे मैं आपको साड़ी में दिखूँगी। थैंक यू। फटाफट लेके निकले, नाइस लुक। हाँ भाई, खाना खाया क्या? अंधे हो यहाँ सामने सामने कैमरा मैडम, सामने आपके एक मैडम 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 रुकिए रुकिए जरा। हाँ भाई ले भाई, अजय थोड़ा इस तरफ टर्न हो जाइए ना। मेमोरीज तो आप सब ने देखी है, हमारी लॉकअप में जो रही हैं और बहुत सब वाकिफ़ है हमारी मेमोरीज से। और लॉकअप की जर्नी के बाद मैं पहली बार पायल से मिलने जा रही हूँ और उसकी शादी हो गई है। आई एम सो हैप्पी कि उसको बहुत टाइम से वेट था उसकी शादी का, तो शी इज़ हैप्पी, तो वी आर हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम एंड थैंक यू, बाय बाय। देख लो ये मेरा लुक है आज का, अच्छी लग रही हूँ। चलो बाय।
सब हम स्टार्ट होंगे। हम भी एक सेल्फी ले लेंगे यहाँ पे, ले लूं? I'm not visible. पुराना, बहुत पुराना रिश्ता है पायल के साथ और बड़ी खुशी है मुझे। रिश्ता नहीं है, याराना है। और बहुत ही खुशी है मुझे कि आज ये इस दिन में मैं शामिल हूँ जहाँ पर वो दोनों एक हुए हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग टू सी। एंड मुझे बहुत, मैं विटनेस करना चाह रही थी पायल की शादी कब होगी, पायल की शादी कब होगी, और मैं ये सोचती थी कि शायद हो चुकी है क्या, लेकिन फाइनली अब हुई है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वी आर हियर टू गिव हर आर बेस्ट विशेस। एंड थैंक यू सो मच पायल संग्राम हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। और क्या इट्स 6 साल हो गए हमारे रिसेप्शन को। हाँ, हमारा तो रिसेप्शन नहीं था, बट ये बहुत अच्छा रिसेप्शन है। तो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी आप शादी में जाते हो। हमने कोई लैविश रिसेप्शन नहीं किया था, हमें तो शादी भी ऐसे ही हो गई थी। हाँ, हमको दोबारा करना हम, मेरे को लगता है ये सब देख के मेरे को दोबारा करना चाहिए अब, मतलब हम दोनों को, किसी और के साथ नहीं। अकेले ही कर लोगे? हाँ, वर्क वाइज चीजें पाइपलाइन में है, तो वो पाइप की लाइन जो है वो भी गटर की तरफ है। व्लॉग्स की बात कर रहे हो आप? म्यूजिक वीडियोस? यस डेफिनेटली, म्यूजिक वीडियो की बात करें तो हम लोगों का जल्दी ही एक बहुत ज़बरदस्त डांस नंबर आने वाला है, बिकॉज वी बींग बोथ, वी बोथ आर डांसर्स। एंड अविनाश तो बहुत ही अच्छा डांस करता है, मतलब मेरे को कोप अप करना पड़ेगा, मैचअप करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी एक डांस नंबर आएगा और ये एक सरप्राइज होने वाला है। खोल ही दिया मैंने, आपने पूछ लिया मैंने खोल दिया, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी पहले वेट कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा वेट लूज़ हो जाए और फिर मैं शूट करूँगी। सो अनदर मंथ टू गो। हाँ, गुड न्यूज़ छोड़ो, मेरा वेट इतना पुट डाउन हो गया, गुड न्यूज़ की बात करो, मेरे को नहीं चाहिए वो गुड न्यूज़ भाई। मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई, पहले हेल्थ ठीक करूँगी उसके बाद गुड न्यूज़ का फ़ायदा है ना, मतलब आप पड़े हुए हो साइड पे कोने पे और उस गुड न्यूज़ का फ़ायदा क्या है बताओ। हाँ जी, हाँ जी, मैं फिट एंड फाइन नहीं हूँ, बट आई एम मच बेटर और आई एम रिकवरिंग, और बहुत अच्छी, पहले से बेहतर सेहत है। झलक आ रहा है, मुझे क्या करना है झलक से, मैं नहीं हूँ ना, मुझे क्या करना है झलक से। फेवरेट कंटेस्टेंट मेरा कोई भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं कौन कौन है। तो मैंने जब तक, हाँ मैं डेफिनेटली चिड़ के बारे देखूँगी झलक। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, झलक जब आएगा शुरू होने वाला है। एंड आई विश एवरी वन ऑल द बेस्ट। और फेवरेट्स तो तभी पता लगेंगे जब परफॉर्मेंसेस शुरू होंगी। फेवरेट कौन है बिग बॉस में?
पहले आने बिग बॉस के, मुझे क्या पता कौन कॉन्टेस्टेंट, कई कंटेस्टेंट फॉलो लास्ट टाइम तो नहीं किया था, इस बार शायद करूँगी। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आपके साथ। ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ये इग्नोर मीडिया वालों, मैं आपको इग्नोर कर सकता है, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अरे नहीं, लाइट चालू करो। हाँ हाँ, हमने आदत इसे या विकास या स्टार्ट फ्रॉम या सारा विकास यहाँ से सर सर सामने विकास भाई सामने एकदम सारा एक सोलो सुनो। सारा का सारा आगे विकास पीछे चलना, ये मत करो। यू आर लुकिंग लवली सारा, बहुत लवली लग रही है वो आज, बताओ आप क्या करें? आप भी हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली पायल की शादी हो गई है, और वो जिस तरह से हम जब वो रियलिटी शो कर रहे थे साथ में, एंड शी अच्छा हां, तुम सब लॉकअप में थे ना साथ में, गेट मैरिड, यस, बहुत मोहब्बत थी, एंड एंड फाइनली नाउ शी इज मैरिड, आई एम रियली हैप्पी। सो उसको मैं हैप्पीनेस हैप्पीनेस विश करना। माइंड्स अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी विद पायल, एक्चुअली आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ पायल एट ऑल इन द बिगिनिंग। मुझे यू नो सम पीपल व्हेन यू सी सम बिट्स ऑफ देम एंड यू आर नॉट सो यू ट्राई टू कीप अवे, बट वो जो लॉकअप किया ना उन्होंने, और उन्होंने उसमें क्या किया कि यू रियलाइज दैट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू सो मच कि वो ऐसी हो गई है, और एक सिचुएशन थी जहाँ पर वो आजमा को वॉज गेटिंग द ओनली वन पर्सन हु स्टूड अप फॉर द गर्ल, चाहे कुछ भी हो जाए अगेंस्ट एवरी वन, दैट्स द टाइम आई रियली रियली लाइक दैट, बिकॉज पीपल स्टैंडिंग फॉर अदर्स इज नॉट रियली वॉट हैपन्स इन वर्ल्ड और आउटसाइड साइड। And as I realized that she, that I actually messaged her saying that I'm very glad that you did the show because we saw a new Payal. Sorry. Yeah. बहुत अच्छा है, मुझे भी उनके बारे में कुछ गलत फहमियाँ थी, जो कि obviously जब आप एक इंसान को अच्छे से जानते हो तो पता लगता है कि वो कैसा है actually। और Payal से after coming out from lockup बहुत अच्छा bond है, and I really really मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ इनकेस, ये बार बार छुप जाती है, शीज़ अ मिस इंडिया दिस ईयर मान्या, एंड वी आर मान्या इज समवन हु लव्स पायल कम्प्लीटली एंड ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट आई वुडंट हैव रियली कम ड्रैग मी आउट हियर व्हिच इज वेरी गुड एंड वी आर लुकिंग ऑल नाइस। सो आर यू? थैंक्स। यस यू आर। नहीं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, आई रियली डोंट, एंड आई डोंट थिंक शी इज रेस्टिंग इन पीस, सो आई जस्ट डोंट वांट टू से एनीथिंग। इट हैज़ रियली अफेक्टेड लॉट ऑफ पीपल, एंड इट एंड यू नो गोइंग अवे ऑफ पीपल हु आई नो इफेक्ट्स मी वेरी बैडली, इट जस्ट डज, सो या। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
वही रीजन है बाहर ना आने का भाई। कुर्ता वसूल हो गया। थैंक तेरे फोन में पास वाला भेज देता हूँ। थैंक यू थैंक यू बड़ा थैंक यू बोलो थैंक यू तुम बोलो यस थोड़ा पीछे रहना भाई यस जी पीछे आ जाओ यस पीछे अरे और पीछे आना भाई वो हटा देना भाई थैंक यू शॉट के गौर में आप बस पीछे एक स्टेप आ गया बड़े भाई पीछे हो मार मार थोड़ा गौर गौर थोड़ा सा मैम वीडियो भी आई थिंक आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन पीपल आर गेटिंग मैरिड बिकॉज बचपन से ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि यू नो मेरे कजिन्स की शादी जब होती थी या मेरे फ्रेंड्स की शादी होती थी या मेरे ख़ानदान में किसी की शादी होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है एंड आई फील लाइक ऊपर वाले की एक ब्लेसिंग होती है शादी में सो आई विश देम बोथ द बेस्ट ऑफ लक एंड इट वॉज वेरी नाइस टू हैव बीन इन्वाइटेड एंड आई ऑलवेज फील के खुशी में हमेशा शामिल होना चाहिए सो आई फेल्ट लाइक आई मस्ट कम एंड गिव देम माई विशेस थैंक यू हाँ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं लेकिन पायल और संग्राम की शादी के दिन आई एम नॉट गोना से टॉक अबाउट माई वर्क बिकॉज लेट्स स्टिक टू देयर जॉय एंड हैप्पीनेस एंड आई एम जस्ट हियर टू विश देम थैंक यू Well, best wishes, heartiest congratulations to Payal and Sangram ji for ye ek atoot bandhan hai jisme bandh rahe hain and I'm happy to be here. Luckily, I was here, so I'm a part of this celebration. So God bless them. Haan ji, I can't hear you. For acha the attire. Yeah, so something my stylist and me organized to put together, and Yashasvi is my stylist. Aur joote ha, thode rang birange alag alag pehne hain maine. So that's my ek shoe artist hai, hand paint karte hain, Priyank, and Array Touch unka brand hai. So joote banate rehte hain, wo dete rehte hain, hum pehnte rehte hain. Events वगैरह attend कर रहे हैं जैसे upcoming projects वगैरह आने वाले
इतने इवेंट्स पे लोग बुला रहे हैं अब तो इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ. एंड देन आई लकीली आई व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू बॉम्बे एंड बिटवीन द टू सिटीज अ लॉट नाउ. सो जब यहाँ आ रहा होता हूँ तो फिर वो एक दो इवेंट हो ही जाते हैं साथ में दो तीन और फ़ोन आ जाते हैं तो मैं सब जगह एक साथ ही सब निपटा लेता हूँ. वैसा हो गया. हाँ जी कितनी यादें ताज़ा होने वाली है. मेरा तो क्या अभी मेरा तो छोड़िए अब तो इट्स हिस्ट्री नाउ. ठीक है गुड. अपडेट तो बस अब वही जो आप लोगों के साथ उस दिन किया था वही था. उसके बाद अब जब बड़ा अपडेट आएगा तो बता दें. देखिए जो मुझे तो कह रहा था वो तो मैंने कह दिया. अब जिसको जो कहना है वो कहता रहे. सो हमारा साइड ऑफ द स्टोरी तो आपने अब अच्छे से सुन लिया है बाकायदा आराम से बैठ के सबूतों के साथ बैठ के किया. गुड फॉर हिम. नहीं कश्मीरा तो वॉज नेवर ऑन ईदर साइड बट थैंक्स टू कैश दैट शी इज़ कम आउट टू स्पीक ऑन माई साइड एंड आई एम गोइंग टू मीट हर राइट नाउ एक्चुअली. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर ऑल्सो. सो देखिए फ़र्क पड़ता है अब जिनको सच्चाई पता है अगर एक एक करके अगर सामने आने शुरू हो जाए तो फिर बात ही क्या है. बट ऑफकोर्स वो कॉन्फिडेंस आना वो चीज़ें सबूत इकट्ठा करना आई टुक टाइम फॉर ऑल दैट एंड दैट्स डन. आई गेव द पीसी फॉर दैट. बाकी देखते हैं क्या होता है. थैंक यू. तोहफा तो लेकिन तोहफा अलग से. सॉरी गाइस थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग. शायरी हर चीज़ से शायरी से शुरुआत होती है तो चलो कर्ज कर देते हैं. कहते हैं कि महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं. समंदर कर चुका तस्लीम हमको खजाने खुद ही ऊपर आ रहे हैं. तेरी बाहों से ये दिल उखते आ गया है अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं. कहाँ सोया है चौकीदार मेरा ये कैसे कैसे लोग अंदर आ रहे हैं. जो नहीं सोचा था वही हो रहा है उसे बस में बिठा कर आ रहे हैं.
अच्छा मैं भी कुछ कह दूँ, पायल जी और संग्राम जी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आई लव पायल जी और मुझे लगता है, सिर्फ लगता नहीं है, यकीन है कि लॉकअप सीजन वन की असली विजेता पायल जी है। और मुझे समझ में नहीं आता कि कंगना रनौत जी ने फारूक को क्यों विजेता बनाया। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया बताइए। Yes. मैं उनको बहुत ही अच्छा क्या क्या विश दूँ यार, आपने कंफ्यूज कर दिया। नॉर्मली वेडिंग पे क्या विश देते हैं? बच्चे जल्दी हो जाए, ज़्यादा अभी वेट मत करो, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब जल्दी से पायल को माँ भी बना दो, दुल्हन तो बना ही दी है। कांट वेट टू सी योर लिटिल वंस। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं जानता हूँ, मुझे लगा था एक आध साल चलेगा, लेकिन इतने साल के बाद शादी करें, आई एम सो सो हैप्पी, आई थिंक दे वेट फॉर ईच अदर। बहुत बहुत शॉकिंग है, बिकॉज इसी हमें लगा था हार्ट अटैक है, जैसे ही वो पता चला कि हार्ट अटैक नहीं कुछ और भी हो सकता है, तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट क्या है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा अपना टांग नहीं लड़ानी चाहिए, लेट देम डू द जॉब। 100% when you go to a place like Curly's, it's dangerous. So be careful, everybody understand. पहले का ज़माना अलग होता था कि भाई कोई हैश होती थी, वो कुछ जैसे कोई वीड वूड होता था, वो ठीक है, पर अगर कोई भी तुम्हारी ड्रिंक में कुछ भी डाल रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत आँखें खोल के रखो, प्लीज टू द किड्स हु गो आउट देयर टू पार्टी, कीप अ आई ऑन योर ड्रिंक, डोंट लेट एनीबडी गिव यू अ ड्रिंक, बी वेरी केयरफुल। भाई डन, भाई आप थोड़ा पीछे होके फोटो मारो प्लीज। प्लीज बोलेगा, नहीं प्लीज बोलेगा तो सेट सेट सेट। अरे सेंटर में बुक पोडियम करो, सेंटर सेंटर में लगाओ पोडियम। एक मिनट पारुल जी, सेंटर में रखिए पोडियम।
बस 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 हाँ बस बस चलो थैंक यू। एक तो गरीब लोग सारे वायर छोटा दिख रहा है। अकेला लेना किसी से बहुत ही कम यानी बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि पायल और संग्राम की लव स्टोरी बराबर मेरी आंखों के सामने शुरू हुई है। हम सब गए थे फिलीपींस, एक शो था सर्वाइवर इंडिया, मैं पायल संग्राम हम तीनों का एक ट्रायो था। तो मेरे सामने ही हुआ सब कुछ। ऐसा था कि सर्वाइवर में हम लोग सब लाइन से बाजू में सोते थे 10 आर्टिस्ट, तो मेरे बाजू में संग्राम सोता था, उसके बाजू में पायल थी। और तब ना मुझे बिगिनिंग में ऐसा कुछ लगा कहीं तो अच्छे अलग हो अच्छे, फिर थोड़े दिन के बाद संग्राम ने मुझे लगा कोई अच्छी लगती है पायल। और पायल के तो फेस पे दिखता था पहले, पर संग्राम बहुत इन लव एंड आई एम सो हैप्पी, फिर तो मैंने उनकी जर्नी देखी भी है और आई एम सो हैप्पी कि 11 साल हो गए इस बात को। 2011 में हम लोग साथ में थे सर्वाइवर इंडिया शो में और वहाँ से लेकर इतने साल साथ रहकर उन्होंने आज शादी करी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं उनको एक छोटा सा तोहफा, जब वो मिले थे उनको भी आइडिया नहीं है कि उनको कुछ एपिसोड्स जो थे उनके, उसकी मैंने एक आज पेन ड्राइव बनाई एंड आई एम गोइंग टू गिव देम दैट कि ऐसे आप यहाँ मिले थे एंड आई एम वेरी श्योर मस्ट बी वेरी मेमोरेबल फॉर देम एंड बड़े प्यारे दोनों। भाई ये गलत बात है, पीछे आके फोटो मारो तुम लोग। अरे आप अगला बाबा वाट लाओ मेरे अरे कंसल भाई अरे क्या करते हो वेट वेट सर टापा जरा टापा शो ऊपर ना हाइट देख लो बस खुश रहे जैसे वो 12 साल से खुश हैं साथ में, वैसे ही अब साल की काउंटिंग ना हो, अब बस साथ में खुश रहे, हमेशा खुश रहे। थैंक यू। ये इधर इधर डब्बू भाई YouTube इंडिया पूरा बात खड़े हो जाते हैं। राज भाई इधर हाँ जी यस यस हाय एवरीवन हाय यस पायल जी को और संग्राम जी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम विशिंग देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड यस बहुत ही खुशी हो रही है और काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसा कोई फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सज धज के आने का यहाँ पर मौका मिला एंड आई लव दिस थिंग। जिन्होंने भी ये सोचा है बहुत ही सही सोचा है पायल के संग्राम, सो बहुत ही क्यूट लगा जब मैंने इन्वाइट भी देखा। सो यस आई एम हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच यस। पूनम जी यहाँ सेंटर में जरा पूरे ना पूरे पूरे में मार लगा दो यार। पूनम जी एक से भाग गया क्या टेप के पास? हाँ बहुत बहुत क्या बात है। हाँ होल्ड ऑन होल्ड ऑन मैम होल्ड ऑन होल्ड ऑन फॉर द वीडियोस
अरे ये कौन लाइट मार रहा है? अरे क्या लाइट मार रहा है? रुकिए सर, होल्ड 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 लाइट कौन है? उसका इलाज मेरे पास नहीं है ना भाई, लाइट चालू करो भाई, बंद कर देता चालू लाइट। पायल जी और संग्राम जी का ये जो संगम हुआ है, इसके लिए फिल्म वर्ल्ड, टेलीविज़न वर्ल्ड और पूरे कलाकारों की तरफ से मैं इनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। भगवान करे, क्योंकि ये जोड़ी भी एसपी है, मैं सुनील पाल एसपी और ये जोड़ी भी एसपी, संग्राम सिंह और पायल, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी निभेगी, सातों जन्म तक इनका रिश्ता बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है दोनों के लिए कि दोनों जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दुआओं से रहो माला माल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। आप दोनों ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए और एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहिए। ऑल द बेस्ट। और पीछे बैलेंस बनाओ आप लोग। होल्ड 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 एक सोलो पिक्चर सोलो ये भाई आपका फ्लैग नीचे कर दो बटन भाई डन हां ले वेट 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 अरे भाई भाई आपका अलग ही एंगल है अच्छा बता जी सर दे यार मेरी डाल दो भाई पहले सर सोलो सर सोलो 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 अनुज 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 जल्दी लो सामने वेट वेट सर वेट वेट सर दिस कैमरा वेट वेट सर भाई अरे तू जब दिख भी जाए सर रुकिए होल्ड 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 सर यंग है सर बाइट बाइट जब रिपोर्टर नहीं कोई बोल बाइट 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 बधाई देने आए 17 साल बाद पायल जी से मिल रहे हैं। बिग बॉस में रहे 2 महीने, पायल जी के साथ रोटी डाले थे, बहुत सारी दुनिया ने हमको देखा है बिग बॉस सीज़न 2 में, जिसकी होस्ट थी शिल्पा शेट्टी जी। हर 14 साल के बाद जीवन में खुशी आती है, 14 साल बाद राम जी वनवास से वापस आ गए थे, पायल जी को भी एक राम मिल गए हैं संग्राम। प्रणाम
Thank you. Hey.